दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ये मेरे पास ल्यूमिनस का शॉर्टकट वाला मॉडल है, तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसकी मेन की आ रही है, मेन की कनेक्टिविटी नहीं हो रही। इन्वर्टर मोड तो बिल्कुल इसका सही है। अब ये आपके सामने मेन कनेक्ट करूँगा, ये चेंज ओवर नहीं होगा। ये देखो मेन तो कनेक्ट करी है लेकिन चेंज नहीं हुई इसकी, जो मेन पे आया नहीं ये, तो यही इसमें प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व आउट करके देखते हैं कैसे हो सकता है ये। सबसे पहले इसका जो मेन बोर्ड है इसको बाहर निकालूंगा। जम्पर वायर रिमूव कर दो इसकी। मेन ना कनेक्ट होने के दो तीन ही प्रॉब्लम होती है दोस्तों, या तो इसकी रिले की प्रॉब्लम आती है, या मेन वायर की, या फिर एक प्रीसेट की। ये देखो ये बैक साइड पे रिले का पॉइंट जो है वो हीट हो चुका है। तो किसी किसी कंपनी के जो इन्वर्टर होते हैं, जैसे माइक्रोटेक है, उसमें डायोड यूज़ होते हैं या फिर ट्रांसफार्मर यूज़ होता है मेन के लिए। तो इस वाले जो ल्यूमिनस वाला है इसमें कोई ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किया। ये देखो ये एक जम्पर लगा हुआ है, या फिर इसमें प्रॉब्लम आती है कहीं कभी कभार ये हीट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मेन ना कनेक्ट होने का कारण हो सकता है, या फिर ये फ्यूज हो सकता है, फ्यूज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो हमारी प्रॉब्लम आई है जो इन्वर्टर में, ये रिले की आई है, रिले की कनेक्टिविटी से आई है। तो चलो एक बार इसको क्लियर करके, क्लीन करके क्लीनर से तो शोल्डर करके देख लेते हैं। ये मैंने शोल्डर से, इस शोल्डरिंग आयरन से शोल्डर कर दिया इसको। अच्छी तरह से शोल्डर से इसे जो उसका पॉइंट है उसको शोल्डर करना है। ये देखो मैंने अच्छी तरह से शोल्डर कर दिया है। एक तो इसकी ये वजह थी जो रिले का पॉइंट हीट हुआ है, और दूसरी बताया था मैंने आपको प्रीसेट का, ये वाला प्रीसेट जो मेन पे लगा होता है। एक बार इसको हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। मल्टीमीटर की मैंने नोब को कंटिन्यूटी पे सेट करूँगा, ये कंटिन्यूटी पे सेट करती है मल्टीमीटर की नोब को। तो इसकी जो एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, क्या रेजिस्टेंस आ रही है जो इसका जो प्रीसेट है। ये देखो इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है 1.27, ऑलमोस्ट ओके है ये वाला प्रीसेट हमारा। तो फाइनली बोर्ड को कनेक्ट कर दिया है इन्वर्टर के बीच, और एक बार चेक करके देख लेते हैं कि जो प्रॉब्लम हमारी आई थी वो सॉल्व आउट हुई है या नहीं। ये देखो मेन कनेक्ट हो गई है, इट मींस जो प्रॉब्लम थी वो रिले की वजह से थी। ये देखो ये मेन आ गई है, और ये चार्जिंग इंडिकेटर भी शो हो गया। तो यही प्रॉब्लम थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।